वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स टू अवर चैनल, इट्स केमिस्ट्री टाइम। और आज है लेक्चर नंबर 2 ऑन द कंसेप्ट ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। लेजेंडरी पॉलिनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy प्लस n इनटू n प्लस 1y इज इक्वल टू 0, जहां पर n बच्चों एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। और इस तरीके की इक्वेशन मेनली स्फेरिकल ज्योमेट्री में और ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि लास्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में देखी थी, दैट इज y डबल प्राइम माइनस 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर y प्राइम प्लस n इनटू n प्लस 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस टर्म से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। ओके, और इसके बेसिस पे बच्चों आपके जो फंक्शंस थे px और qx आपको मिल जाते हैं बच्चों, और 3 कुछ इस तरीके से। ये देखिए, px can be written as minus 2x over 1 minus x square and qx can be written as n into n plus 1 over 1 minus x square। क्योंकि legendary differential equation के जो singular points होते हैं, regular singularities होती हैं, वो हम पहले ही discuss कर चुके हैं, z equal to plus 1 पे और z equal to minus 1 पे होती हैं बच्चों, as well as infinity पे होती हैं, जबकि x equal to 0, 2, इन सब पर ऑर्डिनरी पॉइंट्स इसके मिलते हैं, काफी इजीली वहां पर ये इक्वेशन सॉल्वेबल होती है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों एक पावर सीरीज सॉल्यूशन के थ्रू। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ पावर सीरीज? पावर सीरीज में बच्चों हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोफिशियंट को पिकअप करते हैं और इसके साथ साथ एक्स की एक कॉरेस्पॉन्डिंग पावर को पिकअप करते हैं और फिर इस कोफिशियंट को एक्सपेंड करते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ अ परम्यूटेशन और अ कॉम्बिनेशन और इन फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इसके साथ साथ अपनी x के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर को भी एक्सपेंड करते हैं। ये सॉल्यूशन दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला रूप है जहां पर x की एक्सेंडिंग पावर्स हैं, यानी कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर्स हैं वो इंक्रीज करती हैं बच्चों, और दूसरा जो है वो डिक्रीजिंग पावर वाला सॉल्यूशन है। जो इंक्रीजिंग पावर वाला सॉल्यूशन है बच्चों, ये सबसे ज्यादा जनरलाइज सॉल्यूशन होता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो इसी सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। बट अगर फिजिक्स में हम देखें तो हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते या किसी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर सकते बच्चों जिसको हम नेचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई डाइवर्जेंस है तो यूजुअली नेचर में वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो नेचुरली जब हमें लेजेंडरी इक्वेशन को अप्लाई करना है तो उन सिचुएशंस में हम इसके डिक्रीजिंग पावर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिक्स एसोसिएटेड विद द लेजेंडरी इक्वेशन, वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ इट्स सीरीज सॉल्यूशंस इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स, और उसी को जनरलाइज करके हम डिक्रीजिंग पावर के सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी इक्वेशन। तो जैसा कि इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने 1, माइनस 1 और इन्फिनिटी जो है बच्चों वो हमने सिंगुलर पॉइंट्स की फॉर्म में ट्रेस करे थे, और बाकी जो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 0, 2, 4 एसेट्रा, यूजुअली इवन नंबर्स जो हैं वो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स की तरह बच्चों बिहेव करते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन का हम एक जनरलाइज सीरीज सॉल्यूशन देखेंगे। द जनरलाइज सीरीज सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन कैन बेसिकली बी रिटन एज दिस थिंग, y इज इक्वल टू सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेस टू दी पावर के प्लस m, जहां पर m जो है बच्चों आपका जो कोफिशियंट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स है, और ये इंडेक्स m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यूज देता रहेगा और हर आपको अगला टर्म जो है वो मिलता रहेगा। और इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज सॉल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीरोथ ऑर्डर टर्म है बच्चों, जीरोथ ऑर्डर जो कोफिशियंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। अब इस सॉल्यूशन के बेसिस पे हम y प्राइम को निकालेंगे, यानी कि dy अपॉन dx को निकालेंगे बच्चों, और इसी सॉल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम y डबल प्राइम को निकालेंगे और उसको फिर अपनी लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फीड करेंगे और देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे बिहेव करता है। क्या था पहले 150 से करेंगे, तो नाउ कितने टाइम हो गया, वी विल बी एक्सपेंडिंग दिस सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, दैट मींस 0 रिमाइंडर, क्योंकि आपका जो जनरलाइज सॉल्यूशन था वो था y इज इक्वल टू सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी सी एम इंटू एक्स रेस टू द पावर के प्लस m। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y प्राइम करेंगे यानी कि dy अपॉन dx करेंगे, तो x रेस टू द पावर n के रूल से वो n x रेस टू द पावर n माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज सी एम के प्लस एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस 1।
इन द सेम वे बच्चों, अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल करें तो अब ये जो पावर है ये आपकी सामने आ जाएगी n की फॉर्म में, और x की पावर जो है वो 1 और डिक्रीज हो जाएगी k प्लस m माइनस 2। अब इन सॉल्यूशंस को आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, अपनी लेजेंडरी इक्वेशन में फीड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे लेजेंडरी इक्वेशन में फीड करते हैं बच्चों, सो द इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस, सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, cm के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों आप एक टर्म मिलता है जो x की पावर k प्लस m माइनस 2 को के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, y डबल प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों। ये जो टर्म है ये भी आपका y डबल प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि वो 1 माइनस x स्क्वायर का फैक्टर उसके सामने है बच्चों, तो पहले 1 वाले फैक्टर से वो इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई और उसके बाद x स्क्वायर के फैक्टर से वो सॉल्यूशन दोबारा मल्टीप्लाई हुआ। इन द सेम वे बच्चों, जो 2x वाला टर्म था आप देखिए k प्लस m माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और इन द सेम वे जो लास्ट वाला टर्म था n इंटू n प्लस 1 वो x रेज टू द पावर k प्लस m के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब x की जो सेम पावर है बच्चों उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो कलेक्ट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन का फॉर्म है वो कुछ ऐसा नजर आता है, सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, दिस विल बी द कोफिशियंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 2। और बच्चों जब ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये x की पावर 1 क्योंकि यहाँ पर है, जैसे ये सिग्मा के अंदर जाता है बच्चों तो इसकी पावर को भी k प्लस m कर देता है, और इसकी वजह से एक टर्म यहाँ से भी इसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उस कॉन्ट्रीब्यूटेड टर्म की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी cm इनटू k प्लस m माइनस n इनटू k प्लस m प्लस n प्लस 1 x रेज टू द पावर k प्लस m। तो इस तरीके से आपका जो लेजेंडरी इक्वेशन है उसमें सीरीज सॉल्यूशन को फीड करने से आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलती है बच्चों, क्योंकि बच्चों इस पूरी इक्वेशन में यहां पर x की पावर अलग है और इस पॉइंट पे x की पावर अलग है, तो इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड में जीरो करने के लिए ये जरूरी है कि इस x की पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट है वो भी जीरो होना चाहिए, और इस x की पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट है बच्चों ये वाला वो भी पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए। तो इनको इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, जीरो के बराबर कर सकते हैं। और 500 ग्राम का HCF ज्ञात कीजिए, तो अब इन्हें जीरो के बराबर करने का काम करते हैं। 2 kg और 2 kg को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2000 ग्राम, दूसरा है 500 ग्राम। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों cm into k plus m, k plus m minus 1 is equal to 0, यानी कि बच्चों इस टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस वाले टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट था बच्चों ये वाला, इस कोफिशियंट को मैंने जीरो के बराबर कर लिया। जैसे ही आप इसको जीरो के बराबर करेंगे और लोएस्ट पावर में जाएंगे x की, लोएस्ट पावर ऑफ x कहने का मतलब हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग आप c0 की वैल्यू के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो m की वैल्यू को मैंने जीरो के बराबर कर लिया। जैसे ही आप m की वैल्यू को जीरो के बराबर करेंगे बच्चों, तो ये टर्म c0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्म जो है वो k में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टर्म जो है वो k-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग फॉर द लोएस्ट पावर, यू आर गेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिशियल इक्वेशन, इसे कहा जाता है C0K into K-1 that is equal to 0। और इसके बेसिस पे बच्चों, क्योंकि C0 आपका 0 नहीं था, पावर सीरीज एक्सपेंड करते वक्त मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब K into K-1 जो है वो 0 के बराबर है, और इससे इमीडिएटली K equal to 0 और K equal to 1 जो है वो रूट्स की फॉर्म में हमको तुरंत मिल जाते हैं। मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, इसके बेसिस पर हम अब आगे के कोफिशियंट्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंट कोफिशियंट्स के बीच का जो कोरिलेशन है बच्चों उसे भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी करेंगे उसे देख, अगर हम x की पावर k प्लस m माइनस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोफिशियंट्स को देखें बच्चों, तो cm इंटू k प्लस m माइनस 1, ये तो पहला वाला ही कोफिशियंट था बच्चों, और इसके अलावा जो अगला कोफिशियंट खुलेगा वो cm माइनस 2 k प्लस m माइनस 2 माइनस n एंड k प्लस m माइनस 2 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि उसमें बच्चों एक समेशन भी था, तो जब वो समेशन एक्सपेंड होगा तो एक टर्म आपको cm के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, एक cm माइनस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा। ऐसा करने से बच्चों जैसे आप इस इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे तो आपको इस कोफिशियंट cm और cm माइनस 2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इसका सेंस ये हुआ कि हर अगला इवन जो कोफिशियंट आ रहा है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू को आप 1 चूज करते हो, तो यहाँ सपोज दैट कि इसकी वैल्यू को बच्चों मैंने 3 चूज कर लिया, तो 3 के बेसिस पे यहाँ पे C1 आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी एक कोफिशियंट यहाँ पर चूज कर लीजिए, उसके टर्म में दूसरा मिल जाएगा,
तो सेंस ये है कि इस इक्वेशन के थ्रू डिफरेंट इवन और ऑड कोफिशियंट्स के बीच के कोरिलेशंस मिल रहे हैं, यानी कि एक कोफिशियंट को दूसरे के टर्म में कैसे लिखा जाए ये मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों रिकरेंस। रिकरेंस वर्ड का मतलब यहाँ पर है बार बार रिपीट होना। इट मीन्स एवरी अपकमिंग मल्टीपल और एवरी अपकमिंग कोफिशियंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ सम अदर प्रीवियस कोफिशियंट। किसी पुराने कोफिशियंट के रूप में आप नए वाले कोफिशियंट को लिख सकते हैं, ओके। और अगर हम m इक्वल टू वन कर दें बच्चों तो हमें मिलता है सी वन इंटू के प्लस वन के इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी सी वन के कोरस्पॉन्डिंग इंडिशियल इक्वेशन हो गई। अगर k इक्वल टू जीरो पर बच्चों इसे देखें तो ये इक्वेशन जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी, आपको सी वन की कोई वैल्यू इससे नहीं मिलेगी, सी वन इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। और इस वैल्यू को हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर फीड किया k इक्वल टू जीरो तो हमें सी एम और सी एम माइनस टू के बीच का कोरिलेशन इक्वेशन नंबर फाइव की फॉर्म में मिल जाता है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, इन कोरिलेशंस का यूज करते हुए हम जितने भी इवन कोफिशियंट्स हैं और जितने भी ऑड कोफिशियंट्स हैं बच्चों उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओनली इन फॉर्म ऑफ आइदर सी जीरो और सी वन। आप ये पाएंगे कि सी जीरो जो है बच्चों ये जो वैल्यू है इसके इस कोफिशियंट के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी इवन कोफिशियंट्स हैं बच्चों उन सब को सी जीरो के रूप में लिखा जा सकता है। और इन द सेम वे जितने भी ऑड कोफिशियंट्स इस पूरी सीरीज में आ रहे हैं उनको हम C1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, C1 के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए बच्चों इन इक्वेशंस को जो ऊपर आपको बॉक्स में रिप्रेजेंटेड थी और ये जो इक्वेशन है बच्चों इनको रिकरेंस रिलेशन कहा गया है। इट मींस आपको केवल दो ही कोफिशियंट पता होने चाहिए सी जीरो और सी वन, बाकी सीरीज के कोफिशियंट उन्हीं के ही मल्टीपल के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो m इक्वल टू टू के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप c2 की वैल्यू देखें बच्चों सो इट कम्स आउट टू बी माइनस n इंटू एन प्लस वन ओवर टू इंटू वन इंटू सी जीरो। तो बच्चों ये आ गया आपका m इक्वल टू टू। इन द सेम वे m इक्वल टू फोर आप लिखेंगे तो बच्चों m इक्वल टू फोर को पहले आप c2 के रूप में लिखेंगे फिर c2 वापस से c0 के रूप में आएगा तो आप ये पाएंगे कि c4 कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। इन द सेम वे अगर आप m इक्वल टू थ्री रखते हैं बच्चों तो m इक्वल टू थ्री में c3 जो है वो c1 के रूप में इस फॉर्मेट में आ जाता है, थ्री फैक्टोरियल इसके अपॉन में रहता है। और इसी तरीके से जब आप c5 की इक्वेशन बनाएंगे तो वो खुद c3 की फॉर्म में आएगी और c3 को आप वापस जब ये फीड करेंगे तो आपको c5 की वैल्यू भी मिल जाती है। और इस तरीके से आपकी पूरी पावर सीरीज के सारे कोफिशियंट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि कहां पर आप सॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं, किस ऑर्डर तक का टर्म लेना चाहते हैं, उससे आगे के कोफिशिएंट्स को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं बच्चों जैसे कि पर्टर्बेशन थ्योरी हो गई जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, पावर सीरीज के हायर ऑर्डर जो टर्म्स हैं उनको इग्नोर करना पड़ता है, यानी कि वो टर्म कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होते जाते हैं, वो सीरीज कन्वर्जिंग होती है। हाउएवर आप ये देख पा रहे होंगे बच्चों कि इवन और ऑड कोफिशिएंट्स क्योंकि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं तो इसके बेसिस पे अब हम पूरे के पूरा जो वाई था बच्चों उसको केवल सी जीरो और सी वन के रूप में लिख सकते हैं। और इस सॉल्यूशन को अगर लेजेंडरी इक्वेशन में फीड कर दिया जाए तो वो इक्वेशन कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब मैंने सी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी बच्चों यहाँ पर लिख ली है, सी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंशन था। इन द सेम वे सी वन के टर्म्स में बच्चों इक्वेशन नंबर सिक्स से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है, ओके। हालांकि आप ये देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर फोर एक्स क्यूब एक्स की पावर फाइव, और इन टर्म्स को अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सपेंड करते जाओ हायर वैल्यूज पे तो आप ये पाएंगे कि हर अगला जो टर्म है वो पहले वाले से थोड़ा लार्ज आ रहा है। और लार्ज आने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है या पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है बच्चों वो हायर ऑर्डर टर्म्स पे डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्ज कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ऑर्डिनरी फिजिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस तरीके के सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशंस जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक डिक्रीजिंग पावर वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेथड हम सेम ही लगाएंगे बच्चों लेकिन वहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो सी एम एक्स रेस टू द पावर के माइनस एम की फॉर्म में एक्सप्रेस रहेगा और उसको हम फ्रोबीनियस मेथड जो ये पूरी अभी मैंने आपको बताई है उसके थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि डिक्रीजिंग पावर सॉल्यूशंस किस तरीके के लगते हैं और उसके बेसिस पे हमको लेजेंडरी फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड काइंड के कैसे मिलते हैं और जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं अपने लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। कॉमन मल्टीपल्स 5 60 एंड 100 5 60 और
जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि जो इंक्रीजिंग पावर के सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस रियल फिजिकल सिचुएशंस में काम नहीं कर पाते क्योंकि वो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, और इस सिचुएशन में हम एक ऐसा सॉल्यूशन लाते हैं जो कि x की डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी cm x रेस टू द पावर k माइनस m, जहां पर फिर से c0 0 के बराबर नहीं है। इसका अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो x रेस टू द पावर n के रूल से ये रहा उसका सॉल्यूशन, एंड इन द सेम वे इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो है बच्चों वो यहां पर मैंने एक्सप्रेस किया है। अब हम इसमें असेंडिंग पावर वाली मेथड ही अप्लाई करेंगे, लेकिन x की पावर इसमें क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहेगी। तो सेम मैथमेटिक्स को, सेम मैकेनिज्म को अप्लाई करने पर हमें दो तरीके के सॉल्यूशंस यहां पर मिल सकते हैं। जैसे मैंने वहां पर बताया था y1 और y2 बच्चों, आपका फर्स्ट जब हमने लेक्चर लिया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जनरलाइज सॉल्यूशन को हम c1y1x + c2y2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द सेम वे यहां पर भी हमें इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से रिप्रेजेंटेड दो सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि एक दूसरे से लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इनका सेंस ये है कि y1 को भी एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो लेजेंडरी इक्वेशन है उसमें यूज किया जा सकता है। इन द सेम वे बच्चों जो y2 है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और दोनों के एक लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, यानी कि c1y1x + c2y2x को भी बच्चों यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्यूशन। तो उन सीरीज सॉल्यूशन को मैंने मैथमेटिकली यहां पर सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करने की जो मेथड है मैंने इससे प्रीवियस असेंडिंग पावर्स में आपको बता दिए बच्चों, सेम मेथड को हम यूटिलाइज कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 7 और 8 फॉर्म के जो हैं सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। यहां पर बच्चों अगर हम जो कोफिशियंट ए है अगर इसकी वैल्यू को 1.3.5 एंड सो ऑन ये ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में 2n-1 मल्टीपल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कर लें, तो उस सिचुएशन में बच्चों हमें इक्वेशन नंबर 3 से जो पहले आपको बताई थी उससे मिलता है हमें लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बताती है कि आपकी जो सीरीज है ये सीरीज जो है बच्चों आगे जाके क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि एक कन्वर्जिंग नेचर दिखाती है। ओके, तो उनसे बनते हैं लेजेंडरी फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड। और इन द सेम वे बच्चों इससे हमें एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलता है जिसको हम पी एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यही पी एन एक्स हमारे लिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूजेबल है। आगे आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम में, स्फेरिकल हार्मोनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम में हम इस सोल्यूशन को यूटिलाइज करेंगे। ओके, और इसी तरीके से अगर आप बी की वैल्यू को चूज करते हैं बच्चों, दैट इज गिवन बाय मेनली एन फैक्टोरियल अपॉन 1.3.5 इनटू 2n-1 सॉरी 2n+1, तो इक्वेशन नंबर 8 जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करती है आपकी लेजेंडरी पॉलिनोमियल सेकंड काइंड के। इन लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स का विशेष यूज नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग पावर सीरीज होती है, इसका हर हायर ऑर्डर टर्म पहले वाले से थोड़ा ज्यादा रहता है और इसकी वजह से हम इसे टर्मिनेट या खत्म नहीं कर सकते कहीं पर। ओके, तो पी एन एक्स ही हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, y इज इक्वल टू ए पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बच्चों, तो ये भी लेजेंडरी इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, बट हमारे लिए यूजफुल कौन है फिजिक्स में, पी एन एक्स, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम रिकरेंस रिलेशन देखेंगे, जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, हम क्यू एन एक्स के बारे में कम बात करेंगे बिकॉज इट इज लेस यूटिलाइजेबल फॉर अस। ओके, इन द सेम वे बच्चों अगर हम इंसर्ट कर दें वैल्यू ऑफ ए की, अगर हम वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दें तो हमें पी एन एक्स की फॉर्म मिलती है 1.3.5 2n-1 ओवर n फैक्टोरियल, और ये x की पावर n की फॉर्म में देखिए एक्सपेंडेड है। एक चीज बच्चों आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए जो पावर्स हैं वो n-2 n-4 n-6 ऐसे हायर ऑर्डर टर्म्स आपके पास आएंगे, इट मीन्स x की डिक्रीजिंग पावर्स की फॉर्म में यहाँ पर है। ये सॉल्यूशंस हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। एलसीएम निकालना है और हर का HCF निकालना है। तो मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, इन सॉल्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम देखते हैं कि हमारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या होता है। सबसे पहले तो समझें कि जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। जनरेटिंग फंक्शन का सेंस ये है कि आप कोई भी एक फंक्शन को उठाइए, अगर उस फंक्शन में आप जो वेरिएबल दिया हुआ है अगर उसकी पावर एन को एक्सपेंड कर देते हैं और उस एन के एक्सपेंशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट है अगर वो किसी पॉलिनोमियल के बराबर आ जाता है तो फिर उस पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन वही फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन बच्चों, जहां पर हमें एक जनरेटिंग फंक्शन
कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लेजेंडरी इक्वेशन. बच्चों लेजेंडरी पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जनरेटिंग फंक्शन लेंगे. तो इस पे काम करते हैं. सपोज दैट कि एक फंक्शन बच्चों मैंने यहाँ पे चूज किया 1 - 2xh + h² - 1/2. इसको मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू बच्चों एक्सपेंड किया है. यहाँ पर मैंने h की वैल्यू को 1 से कम माना है. ओके, इन द सेम वे बच्चों x का मॉड जो है वो भी लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें h को कॉमन लेते हुए 2x - h² - 1/2 इसको बच्चों हम एक्सपेंड करते हैं. जहां h की ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम है बच्चों, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें 1 x^n टाइप या 1 - x^n टाइप एक्सपेंशन में, तो आपको इक्वेशन नंबर 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं. अब इस इक्वेशन में h की पावर n के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों जो कोफिशियंट है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन दिस वे 1.3.2n - 1/2.4 एंड सो ऑन अप टू 2n बच्चों 2x^n ओके -1.3 इस तरीके से बच्चों 2n - 3 2.4. ये पूरे एक्सपेंशन को मैंने क्या किया है, केवल इसमें से h की पावर n के जो टर्म्स हैं बच्चों वो मैंने उठा लिए हैं और यहाँ पर मैंने इन्हें फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया है. फैक्टोरियल की फॉर्म आप जानते होंगे बच्चों, NCR दैट इज बेसिकली रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल. ओके, इस फॉर्म में बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो यही चीज मैंने यहाँ पर यूटिलाइज करी है. इन द सेम वे अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एक्सपेंड कर लें, आप एक चीज और गौर करेंगे यहाँ पर कि ये जो 2x^n वाला टर्म है बच्चों, क्योंकि इससे x की पावर 1 कंट्रीब्यूट हो रही है और 2 भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो 2 क्या करता है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये 2n का फैक्टोरियल बन रहा है बच्चों, इवन फैक्टोरियल बन रहा है, तो इस इवन फैक्टोरियल के 2 के टर्म को कैंसिल कर देता है और ये पूरा फैक्टर जो है वो n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है. इन द सेम वे ये NCR देखिए यहाँ पर भी मैंने रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन है बच्चों, आप इसे इंडिविजुअली खुद भी करके देख सकते हैं, काफी इजी है. यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको एक्सपेंशन की फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया है और यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन है बच्चों, दैट कैन बी रिटन एज अगेन इन फॉर्म ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल. तो जब इस एक्सपेंशन को आप एक्सपेंड करेंगे तो वही फॉर्म आपकी बन जाती है जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल की है. इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फंक्शन चूज किया था उस फंक्शन के एक्सपेंशन में एच की पावर एन का जो कोफिशियंट है वो वही है जो कि आपका पीएन है, यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल है. तो इस तरीके से जो अबव चोजन बच्चों जो फंक्शन है, दैट फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ओके, और द लेजेंडरी पॉलिनोमियल. और पीएन एक्स को जो कि बच्चों हमने इससे पहले रिप्रेजेंट किया था इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज सॉल्यूशन, उसको अगर आप r इक्वल टू 0 से लेके n बाय 2 की फॉर्म में लिखें, -1 raised to the power r 2n - 2r फैक्टोरियल ओवर 2 raised to the power n r फैक्टोरियल n - 2r फैक्टोरियल n - r इनटू x raised to the power n - 2r, यानी कि पूरी जो सीरीज एक्सपेंशन था इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके एक समेशन की फॉर्म में बच्चों लिख दिया है. और इस समेशन में जो n बाय 2 की वैल्यू है, अगर n की वैल्यू आपने इवन चूज करी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग n बाई 2 की वैल्यू को n बाई 2 ही लेना है, यानी कि जो समेशन है वो n बाई 2 वैल्यू तक जाएगा. एंड इन द सेम वे अगर ये n की वैल्यू ऑड ली है बच्चों आपने, तो ये n माइनस 1 अपॉन 2 तक जाएगा. तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर सीरीज सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं ये हमने देखा बच्चों, और उस पावर सीरीज सॉल्यूशन को जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं तो वहां से हम उस सीरीज सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शंस भी निकाल सकते हैं. और हमने पाया कि ये जो फंक्शन है 1 - 2xh + h² - 1/2, इसके अंदर जो h की पावर n का कोफिशियंट है वो वही है जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल था. तो इसे ही हम फिजिक्स में जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं. तो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेक्चर. So we will see you in the next lecture with the concept of recurrence relation in between legendary polynomials. So till then, like, share and subscribe. It's chemistry time.